पाली भयंकर जल संकट के हालात झेल रहे पाली जिले वासियों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई महीनों से इन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होने से जल संकट गहराता जा रहा है। बंद पड़े कुओं की खुदाई आरंभ की ग्रामवासियों ने आपसी सहमति से। इन कुओं की खुदाई में पूरे गांव से चंदा एकत्रित कर इन कुओं से कचरा हटाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया जलदाय विभाग द्वारा महीने भर पहले जल आपूर्ति बंद करने से गांव में भयंकर पेयजल के हालात पैदा हो चुके थे। वहीं जवाई बांध का पानी बंद होने, हेमावास का पानी बंद होने से मुश्किलें और बढ़ गई। कहीं से जलापूर्ति की आंसुओं नजर नहीं आने पर ग्रामीणों ने अति प्राचीन कुओं की तरफ ध्यान दिया। ये हालात जिले के अनेक क्षेत्रों में बने हुए हैं जहां भारी पानी की किल्लत देखी जा रही है। ग्रामवासियों को पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है तो वही प्रशासन कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। 25 सालों में पहली बार ऐसे भी जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि पहले का 25 दिन पहले सफाई करवाई थी एक कुएं की, तो उससे जो जल की आपूर्ति हुई है, लेकिन 5 दिन से समस्याएं महसूस होने लगी है। तो गाँव वालों ने कहा कि भाई जिस प्रकार से ये पहले बेरी की सफाई करवाई उसी तरह पहले आज से 20 साल पहले यहाँ से पानी ले जाते थे, तो जरूरत पड़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस हिसाब से सब ने बीड़ा उठाया तो आज इस बेरी की सफाई कर रहे हैं और आगे से इससे जल की आपूर्ति होगी हमारे गांव में।